हे एवरीवन, दिस इज़ भूमिका और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो, आज का टॉपिक है फेस ड्राइंग। सो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ कि जब भी आप फेस ड्राइंग स्टार्ट करें तो आपकी स्केचिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो आप फेस ड्रॉ करने जा रहे हैं वो अगर फ्रंट एंगल पर होगा तो उसे बनाने में आपको आसानी होगी। तो स्टार्टिंग में एक दो फेसेस ऐसे बनाएं जो फ्रंट एंगल पर हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ओवल बना लेंगे जो कि हमारे फेस का रफ स्ट्रक्चर होगा और जो हमारे फेस को डिनोट करेगा और जिसकी लेफ्ट और राइट साइड का जो स्पेस है वो इक्वल होगा। और ऐसे ही हम नेक और शोल्डर के लिए भी रफ स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसके बाद हम एक ओवल में पार्टीशन करेंगे जो कि हेयर्स को शो करेगा, यानी कि जो हमारी हेयर लाइन की स्टार्टिंग को शो करेगा। अब जो मेन बात है इसमें वो ये है कि जिसके बाल बड़े होंगे वो ज़्यादा स्पेस कवर करेंगे, जिसके हेयर्स छोटे होंगे वो कम स्पेस कवर करेंगे। इसलिए आप अपनी फ़ोटो यानी कि रेफरेंस में से देखकर हेयर्स के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें हमें अब हमारे फेस की यानी कि जो बचा हुआ ओवल है उसके 3 इक्वल पार्टीशंस करने हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट पार्टीशन है वो हेयर लाइन से लेकर आईब्रोज तक है, सेकंड पार्टीशन आईब्रोज से लेकर नोज एंडिंग तक है, और थर्ड पार्टीशन नोज एंडिंग से लेकर चिन तक है। इस पार्टीशन के स्टेप को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस फोटो में हम देख सकते हैं कि जो फेस है वो 3 पार्टीशन में डिवाइड है जो कि ऑलमोस्ट इक्वल हैं। चलिए एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं जिससे कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब आप इस फेस में भी देख सकते हैं कि जो फेस है वो 3 पार्टीशन में डिवाइड है जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने फेस का एक वर्टिकल पार्टीशन कर लेंगे जो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो फेस है वो 2 वर्टिकल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है जो कि इक्वल है। अभी तक हमने जो बनाया वो एक बेसिक स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद हम चीज़ें ड्रॉ करना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आईब्रोज बना लिया, वैसे ही अब हम यहाँ पर ईयर्स बनाएंगे। हम आईब्रोज लाइन और जब नोज एंडिंग की लाइन को प्रोसीड कर देंगे तो जो हमें जगह मिलेगी उसमें हमें ईयर्स बनाने हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने उनको प्रोसीड किया और जो एरिया बना उसमें हमने ईयर्स बना लिए। ईयर्स ऑलमोस्ट इसी एंगल में होते हैं, बट कभी कभी वो ऊपर नीचे हो जाते हैं जो कि फेस एंगल पे डिपेंड करता है, जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं। सो, ईयर्स की मेज़रमेंट लेने के लिए आईब्रोज लाइन और नोज एंडिंग की लाइन को प्रोसीड कर दीजिए और आपको एक मेज़रमेंट मिल जाएगी कि जो ईयर्स है वो इससे थोड़े ऊपर है या फिर थोड़े नीचे या फिर इसी लाइन के बीच में है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो हमें बताएगा कि हमें अपनी आईज़ और नोज़ कहाँ पर प्लॉट करनी है। तो हम अपने फेस को जहाँ पर आईज़ और नोज़ बनानी है उसे 5 इक्वल पार्टीशंस में डिवाइड कर लें। इस पॉइंट को समझने के लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस फोटो में ये स्टेप आसानी से अप्लाई हो रहा है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें जो फर्स्ट और फिफ्थ पार्टीशन है वो इक्वल नहीं है और पार्टीशन से। ऐसा इसलिए क्योंकि सबका फेस डिफरेंट होता है, बट इससे हमें एक मेज़रमेंट ज़रूर मिल जाएगी जिससे कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो अनइक्वल ब्लॉक्स हैं उन्हें कितना छोटा बनाना है या फिर कितना बड़ा बनाना है। अब इन पार्टीशन से हमें ये पता चल गया है कि कितने स्पेस में आईज़ और नोज़ बनानी है। अब आईज़ बनाने के लिए हम एक लाइन लगा लेंगे जिससे कि हमारी दोनों आईज़ सेम लेवल पर बनेगी, ऊपर नीचे नहीं बनेगी, कुछ इस तरह से। अब बारी आती है नोज़ बनाने की। नोज़ बनाने के लिए हम जो थर्ड ब्लॉक है उसका यूज़ करेंगे। तो जो नोज़ ब्रिज है वो हमेशा आईब्रोज से कनेक्टेड होते हुए नीचे आता है, तो हम नोज़ ब्रिज बना लेते हैं। उसके बाद जो नोज़ की ब्रॉडनेस है उसे देखने के लिए हम आईज से मेज़रमेंट लेंगे। आईज से मेज़रमेंट कुछ इस टाइप से ले सकते हैं। नोज़ की दोनों साइड से ऊपर की तरफ एक लाइन लगा दीजिए, वो आईज़ के जहाँ पर जाकर मिल रही है यानी कि उतने एरिया में आपको अपनी ड्राइंग में नोज़ बनानी है। ये जो सारी मेज़रमेंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारी आपको अपनी रेफरेंस में से लेनी है, यानी कि जिस फ़ोटो में से आप देखकर बना रहे हैं उसमें से लेनी है और अपनी ड्राइंग में अप्लाई करनी है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लिप्स की तरफ। अब हम देखेंगे कि कैसे लिप्स को उनकी परफेक्ट जगह पर प्लॉट कर सकते हैं। जो नोज़ एंडिंग है और जो चिन है जब हम उसको हाफ़ कर देंगे तो हमें लिप्स की एंडिंग वाला पॉइंट पता चल जाएगा, बट ये रूल हर फोटो में एक जैसा अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल,
इस फोटो में जब हमने नोज़ की एंडिंग और चिन वाले एरिया को हाफ़ किया तो हमें लोअर लिप की एंडिंग मिल रही है, बट नेक्स्ट फोटो जब जैसे हम देखते हैं तो इसमें उसे हाफ़ करने पे हमें लिप्स की मिडल लाइन मिल रही है। इससे हमें एक बेसिक मेजरमेंट मिल रही है जिससे हमें ये पता लग रहा है कि लिप्स का कौन सा एरिया इसे हाफ़ करने के बाद हमें प्लॉट करना है। तो आप अपनी रेफरेंस में इस एरिया को हाफ़ कीजिए और आपको पता लग जाएगा कि लिप्स के कौन से एरिया को इस लाइन पर बनाना है। अब लिप्स को कहाँ प्लॉट करना है हमें ये तो पता लग गया, बट इसे कितना ब्रॉड बनाना है ये पता लगाने के लिए हम इसकी मेज़रमेंट लेंगे आईज़ से। एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं इसको। जब आप अपनी रेफरेंस में इस तरह लिप्स से लेकर आईज़ तक दोनों साइड से लाइन लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इतने एरिया में हमें लिप्स की ब्रॉडनेस को रखना है। तो इस तरह आप लिप्स को बना सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें बनाने के बाद, यानी कि आईज़, नोज़, लिप्स और ईयर्स, हम फेस के आउटर स्ट्रक्चर को बनाएंगे। फेस का आउटर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक सबके फेस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इस वजह से हमें अपनी जो रेफरेंस है यानी कि जो फ़ोटो है उसमें से देखकर इसे बनाना पड़ेगा। इसे बनाने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है। फेस स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप और सारी डिटेल्स जैसे कि हेयर्स, नेक, क्लॉथ, ये सब ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद शेडिंग, कलरिंग या आप जो भी करना चाहें इसमें वो आप कर सकते हैं। सो ये था फेस ड्राइंग करने का एक बहुत इजी और एक बहुत अच्छा तरीका। अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो कर फेस को ड्रॉ करेंगे तो आपका फेस कभी भी, फेस प्रोपोर्शंस कभी भी गलत नहीं होंगे, मेज़रमेंट्स हमेशा ठीक रहेगी। और अब हम इन सारे रूल्स को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने सीखी कि रफ़ स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि जो हमने ओवल बनाया था इससे हमारी भी शीट बैलेंस रहेगी। सेकंड चीज़ हमने सीखी कि जो हेयर का जो पार्टीशन है उसे डिवाइड कर लीजिए उस ओवल में से। थर्ड चीज़ हमने सीखी कि तीन इक्वल पार्टीशंस करने हैं। फोर्थ चीज़ हमने सीखी कि ईयर्स कहाँ पर प्लॉट करने हैं, ईयर्स कैसे प्लॉट करने हैं। और फिफ्थ चीज़ हमने सीखी कि आईज़ और नोज़ कैसे प्लॉट करना है, जो मैंने 5 पार्टीशंस बताए थे। फिर हमने उससे नेक्स्ट चीज़ सीखी कि नोज़ की ब्रॉडनेस की मेज़रमेंट कैसे लेनी है, जो आईज़ से मेज़र करके हमें लेनी है। उसके बाद हमने सीखा कि लिप्स कहाँ पर प्लॉट करने हैं और लिप्स की ब्रॉडनेस कैसे करनी है। फिर हमने फेस का स्ट्रक्चर बना लिया। सो ये था पूरा मेज़रमेंट ट्यूटोरियल एक फेस ड्राइंग करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को पूरा देखा। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।